और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है पानीबाग इलाके से। जी हाँ, एक कॉलोनी में एक बदमाश घुसाया जिसने एक ही परिवार के 3 सदस्य की जान ले ली है। जी हाँ, ये खबर आ रही है पानीबाग के इलाके से, जहाँ पर एक कॉलोनी में एक बदमाश घुसाया। कहा जा रहा है कि उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था और उसने इस रिवॉल्वर से एक परिवार के 3 सदस्य की जान ले ली है। जी हाँ, ये खबर आ रही है अभी पानीबाग इलाके से। कोई है क्या? कोई है? हाँ बोलिए, क्या हुआ? भैया मुझे थोड़ा वॉक करना था, आप करवा दोगे? हाँ जी, चलिए। शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। आपकी आंखें? दरअसल मैं आर्मी में था तो एक लड़ाई मेरी दोनों आंखें चली गई। सब किस्मत के खेल में। बस भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसे नौजवानों पे हमें बहुत गर्व है। अच्छा, ये आपके भाई है? हाँ, ये मेरे भाई है। एक्चुअली मैं फैक्ट्री जाता हूँ, इन सबको रखता हूँ पढ़ने के लिए। थोड़ी माँ की तबीयत सही नहीं है, के दोनों गुर्दे खराब है, घर में पढ़ना मुश्किल होता है। सच में आप बहुत हिम्मत वाले आदमी हैं। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? इलाज तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। कितना का खर्चा है? अमाउंट तो बड़ा बताया, 25 से 30 लाख का खर्चा कहाँ से लाएंगे? इससे दौड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, सांस की थोड़ी इसके प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चे का, भगवान मदद करेगा। हेलो यादव जी। हाँ कौन? जी मैं बंटी बोल रहा हूँ। अच्छा बंटी जी, बोलिए। आज मेरी फ्लैट की मोटिशन हो जाएगी ना? हाँ हो तो जाएगी, लेकिन कहाँ पे हो अभी आप? अभी तो मैं घर के बाहर हूँ। अच्छा ठीक है मिलके बात करते हैं, आता हूँ।
अरे बंसी जी बैठे हैं। अरे हाँ, आपकी फ्लैट की मोटिवेशन फोटो हो जाएगी, मगर आपकी जो है 35,000 रुपया बाकी है। वो 35,000 रुपया आप अगर दे दें तो आपको मैं अगर दे देता हूँ, वो तो जाएगी पर एक हफ्ते का टेंशन। नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरा काम तो पक्का है, आपका काम भी पक्का होना चाहिए ना। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके पास कोई लाइसेंस वाली गन है, वो आप भेज दीजिए तो आपको भी कुछ हेल्प हो जाएगा, आप मेरा भी हेल्प कर सकते हैं। बेचना चाहते हैं आप? अच्छा, तो मेरे पास एक लड़का है, है वो अपना ही आदमी है, वो चाहता है, वो थोड़ा सरकारी दफ्तर से थोड़ा लाइसेंस बनवाने जाने वाने में थोड़ा हिस्सा चाहता है वो बंडा, मगर बंडा मेरा ठीक है, वो गंदे लेगा। गलत आदमी में गलत आदमी नहीं, नहीं आप मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं आपका गन दिखवा दूँगा, अच्छा ही लड़का है, वो कुछ नहीं करेगा, मेरे पे भरोसा है ना आपको। अच्छा ठीक है, ठीक है मैडम, मैं उसे लेके आऊँगा। ठीक है, अरे बंटी जी क्या हाल है? जी यादव जी ठीक है। अच्छा, ये इनसे मिलिए, ये है गगन जी, यही थे जो आपसे बंदूक खरीदना चाहते थे। जी हाँ, तो बंटी जी मैं क्या करूँ, बहनों का भाई हूँ ना, तो सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आप इन्हें गन दिखा दीजिए। जी लीजिए आज यादव जी, देखिए आप। अरे गगन जी मुझे क्या देखना, आप ही देख लीजिए और पैसे दे दीजिए। जी ये लीजिए पैसे। ठीक है ठीक है बंटी जी, थैंक यू। ठीक है गगन जी आप चलो, मैं आता हूँ। फ्लैट की थोड़ी मॉडिफिकेशन के पैसे जी। थैंक यू। हेलो मैं आ गया हूँ, तू भी आ जा। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है पानीबाग इलाके से। जी हाँ, एक कॉलोनी में एक बदमाश घुसाया जिसने एक ही परिवार के 3 सदस्य की जान ले ली है। जी अरे क्या हो, क्या हो भैया 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 भैया, पानी ला, पानी पानी पानी, भाई साहब उठिए, भाई साहब भाई साहब उठिए, भाई साहब भाई साहब भाई। ये अभी क्या हुआ था? अरे बंटी जी कैसे आना हुआ? जी यादव जी, मैंने जो फ्लैट आपसे लिया था ना, उसे मुझे बेचना है, वो आप रख लीजिए, मुझे पैसे की थोड़ी जरूरत है। अच्छा ठीक है, आप रुको मैं आता हूँ। कौन? जी मैं बंटी। ओ आप हैं, पैसे है कि बच्चे के ऑपरेशन के लिए काम आएंगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले सकता। रखिए तब काम आएंगे। अल्लाह उसका बंदा करे। माँ की तबीयत सही नहीं है, उनके दोनों गुर्दे खराब है। सच में आप बहुत हिम्मत वाले आदमी हैं।
दरअसल मैं आर्मी में था तो एक लड़ाई मेरी दोनों आंखें चली गई। सब किस्मत के खेल में। बस भाई बिल्कुल। कोई है क्या? कोई है? हाँ बोलिए, क्या हुआ? भैया मुझे थोड़ा वॉक करना था, आप करवा दोगे? हाँ जी चलिए। शुक्रिया शुक्रिया। कोई है? हाँ भैया बोलिए, क्या हुआ? मुझे थोड़ी पक्की तरफ छोड़ दीजिएगा तो। हाँ चलिए। इससे दौड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, सांस की थोड़ी इसकी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। पैसे हैं कि बच्चे के अपने काम आए।